नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊँगी शिमला में भरवा शिमला मिर्च, और उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टफ्ड कैप्सिकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा तेल आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो स्टफिंग है वो हम इसमें बनाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा तेल हमको ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, और एक बड़ा प्याज को मैंने एकदम फाइन चॉप्ड किया है करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे जस्ट थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ही बस, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। करीबन 1 मिनट के लिए मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, जो कि हमने पहले से कट करके रखा है। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च ऐड कीजिएगा। फिर हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसे भी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ आलू। मैंने यहाँ पर उबला हुआ आलू ऐसे ही ऐड कर दिया है, पहले से मैश्ड करके नहीं मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहे तो इसे पहले से मैश्ड करके उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं अब इसी में कढ़ाई में ही इसको इसी तरीके से मैश्ड कर दूंगी। इसको चलाते चलाते मैं इस तरीके से, देखिए, मैं इसको इस तरीके से मैश्ड करती रहूँगी और चलाती रहूँगी। इससे आलू का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा गल नहीं जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा ये आलू जो है वो थोड़ा साबुत भी रहता है, इसलिए मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पहले से हाथ से मैश्ड करके नहीं देती हूँ। देखिए, मैंने इस तरीके से मैश्ड कर भी लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी, और मैं इसमें दूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। देखिए, अब मैं इसको अच्छे तरीके से और फ्राई कर लूँगी। करीबन 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है 3 मिनट बाद। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नहीं, 1/2 नींबू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर, खटासपन जो है वो इसमें आएगा, और ये जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। नींबू का रस देने के बाद हम सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चला लेंगे। चलाने के बाद इसे हम एक अलग से बोल में निकाल लेंगे। इस भरवा कैप्सिकम को बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मुझे ये वाला तरीका बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसी को ही ज़्यादातर बनाती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मैंने शिमला मिर्च को है इस तरीके से कट कर लिया है। कट करके मैंने पूरे बीज इसके नहीं फेंके हैं, बस थोड़े थोड़े बीज इसके फेंक दिए हैं और थोड़ा सा इसमें है। अब मैं इसको इसके अंदर फिल कर लूँगी, जो मैंने स्टफ बनाया है आलू का, मैं इसमें फिल कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब हमको इसको फ्राई करना होगा। हमने यहाँ पर बहुत कम, बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, और मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे दूँगी, जिससे कि शिमला मिर्च में एक अच्छा सा रंग आएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर दी हूँ। और बिल्कुल थोड़े से तेल में मैं इसको हल्के से फ्राई कर लूँगी, और इस फ्राई करते समय फ्लेम को एकदम ही लो रखना होगा, जिससे कि ये अच्छे तरीके से चारों तरफ से फ्राई हो सके। इसे आप कढ़ाई में भी कर सकते हो या फिर तवे में भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, यहाँ पर भरवा कैप्सिकम जो है वो बिल्कुल बन के रेडी है, और थोड़ा सा आलू बच गया था, वही मैंने इसको साइड में रखा है। देखिए, आज का ये वीडियो बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।